कि आपके अध्यापक हैं, इनको दुर्वे नहीं आती। धन्य हो मास्टर जी, देश के भविष्य को इस तरह से तैयार करेंगे तो जरा बताइए देश आगे कैसे बढ़ेगा। ब्लैक बोर्ड पर बड़ी मेहनत से डीएम साहब के आसान से सवालों का जवाब लिखती ये हैं मिर्जापुर के सरकारी स्कूल की टीचर। ऋतुओं के नाम लिखने के लिए और उन्हें याद करने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही हैं। लेकिन अफसोस कि एक बीएससी पास ये महिला टीचर उस आसान से सवाल का जवाब नहीं दे पाई। आप आईएसपीसीएस वाला कोई सवाल डीएम साहब ने नहीं पूछा था, बस इतना पूछा कि जरा बताइए कि ऋतुएं कितनी होती है। अध्यापिका जी ने भी खूब कॉन्फिडेंस से कहा सर चार, और अपने ज्ञान का गलत भंडार अध्यापिका जी ने बच्चों को में भी बांट रखा था, इसलिए तो बच्चे भी अध्यापिका के दिए गए ज्ञान के भंडार को डीएम साहब के सामने बताने लगे। संख्या कितनी होती है? चार। बताओ कौन कौन होती है? शरद ऋतु, बसंत ऋतु। हाँ। टीचर कौन है? ये है शिक्षा का हाल, बच्चों को नहीं पता, लेकिन अफसोस कि बच्चों को पढ़ाने वाली अध्यापिका को भी इस आसान से सवाल का जवाब नहीं आता, जवाब देने में फंस गई। महिला टीचर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ब्लैकबोर्ड पर लिखने आई, लेकिन तीन ऋतुओं के नाम लिखते लिखते उनके हाथ रुक गए और इसके लिए मैडम के पास जवाब भी हाजिर था। आपके अध्यापक है, इनको ऋतुएं नहीं आती। गजब की शिक्षा प्रणाली है, बच्चों को ही गलत शिक्षा दी जा रही है। अरे इसी भी छोड़िए, बच्चों को जो महिला ज्ञान दे रही हैं, उन्हें भी नहीं पता कि आखिर ऋतुएं होती कितनी हैं। वाह, गजब है उत्तर प्रदेश, गजब है यहाँ की शिक्षा प्रणाली, और तो और गजब है इस सरकारी स्कूल के ये अध्यापिका।